Hello friends, welcome to my channel and this video is actually a software tutorial video और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ Adobe Connect को आपने कैसे इंस्टॉल करना है और ये कैसे यूज़ होता है। तो इससे पहले मैं आपको Adobe Connect के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, चलें हम साथ साथ सर्च भी कर लेते हैं। तो Adobe Connect एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करते हुए कुछ प्रेजेंटेशंस लाइक मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं और ये स्पेशली यूज़ होता है एजुकेशनल मीटिंग्स में या बिजनेस मीटिंग्स में। इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा लोग इसको एक मीटिंग होस्ट करते हैं जिसके ऊपर बाकी के लोग एज अ ऑडियंस आके ज्वाइन करते हैं और फिर वो उस मीटिंग के अंदर देख सकते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि व्यू की तरफ से कुछ मीटिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और बच्चे जो हैं वहाँ पे उसको ओपन करके गिवन टाइम के अंदर जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का तरीका बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप वीयू के अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट की जो मीटिंग होती है यहाँ पे या डिस्कशन होती है जिसे हम कहते हैं उसको आप कैसे ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं एज अ फ्रॉम वीयू टीचर्स। तो पहले तो इसको डाउनलोड करने की बात आती है, तो उससे पहले मैं आपको कह दूं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड फिर आप सबसे पहले इजीली मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलें सबसे पहले जाते हैं हम इसके डाउनलोड वाले पोर्शन की तरफ। तो इसको डाउनलोड करने का लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड ये सॉफ्टवेयर मेरी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, तो आप सिंपली मेरी वेबसाइट पर जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो माई वेबसाइट नेम इज़ VUWiki, इतना आपने एंटर करना है और फिर चले जाना है गूगल पे। तो यहाँ पे आपको VUWikiPro.com का URL मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे चले जाना है। मेरी इस वेबसाइट पे VU की रिलेटेड पास पेपर्स और हैंडआउट्स वगैरह और बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है लाइक असाइनमेंट सॉल्यूशंस एंड GDB सॉल्यूशन आइडियाज़। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का सेक्शन है, यहाँ पे आपको डिफरेंट यूजफुल सॉफ्टवेयर जो है टाइम के साथ साथ मिलते जाएंगे, तो आप यहाँ से जाके भी अपना सॉफ्टवेयर फाइंड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप यहाँ सर्च में जाके Adobe Connect जो है वो स्पेलिंग्स का ज़रा ध्यान रखना है आपने यहाँ पे और Adobe Connect लिख के आप सर्च कर दें तो Adobe Connect का सॉफ्टवेयर जो है आपको यहाँ पे सामने नज़र आ जाएगा। यहाँ पे वैसे एक सेक्शन ओपन होगा जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दें एंड यहाँ पे आपको नीचे जो है वो मिल जाएगा Adobe Connect। तो इसको आप सिंपली ओपन करें, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये इसका पेज ओपन हो जाएगा और इसके बिल्कुल सेंटर में आप देखिए यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपके पास IDM नहीं है यानी कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर नहीं है तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और इसका सेटअप भी मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख के वो सेटअप भी डाउनलोड कर सकते हैं इफ़ यू नीड। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे तो ये सामने आपके सामने इस तरह से एक टैब आ जाएगी, ये थोड़ा सा फाइल साइज़ है इसका और ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये आपके सामने डाउनलोड हो रहा है। एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। अगर आप भी किसी सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे सॉफ्टवेयर का नाम और वर्जन वगैरह बता दें ताकि मैं आपको उसका जो है क्रैक वर्जन या उसका जो फ्री में अगर नहीं मिलता आपको तो मैं उसका ट्यूटोरियल आपको बना के दे सकूँ। तो यहाँ पे जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके सामने इंस्टॉलर ओपन होगा, तो इसमें आप ये दो ऑप्शन जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, तो ये भी बेटर है, आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन आ जाएगा तो इसको करके आप एग्जिट कर दें। जब आप एग्जिट करेंगे तो ये मैंने ये वो सेटअप है जो डाउनलोड किया था, तो इसको फिलहाल रहने देते हैं। ये वो सेटअप है जो इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है, तो इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो मीटिंग है, आप उसका URL एंटर करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, अब स्पेशली फॉर व्यू स्टूडेंट्स कि आपने मीटिंग को ज्वाइन कैसे करना है और किस तरह आपके सब्जेक्ट्स की मीटिंग्स आती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे VULMS पे। LMS पे जाने के बाद हम एक ID लॉगिन करते हैं और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वहाँ पर किस तरह से ये पढ़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक LMS लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ से मैं किसी भी एक सब्जेक्ट की लाइक यहाँ पे CS402 पढ़ा है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, तो इसके मैं चला जाता हूँ अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी इस तरह से कोई ना कोई अनाउंसमेंट आई होगी। अगर आपको यहाँ पे सामने नहीं मिलती तो आप ओल्डर पे जाके क्लिक करके आप पुरानी अनाउंसमेंट्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले एक डे बताया गया है वेनसडे,
देन उसके बाद टाइमिंग बताई गई है और आगे वो यूआरएल लिंक है। तो इस लिंक को ओपन करने के लिए वैसे ये लिंक जो है डायरेक्टली क्रोम में भी ओपन हो जाता है, बट क्रोम में बहुत से फीचर्स इसके काम नहीं करते, तो इसलिए आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सिंपल ये है कि या तो आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें और वहाँ पर जाके फॉलो करेंगे तो आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। इन केस अगर आप इस यूआरएल को ओपन करते हैं और आपका ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता तो सिंपली आप इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसके यूआरएल वाले सेक्शन में जाके पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो जब आप इसके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस यूआरएल के अंदर जो मीटिंग हो रही है या होनी है या हो चुकी है, जो भी होगा, जो भी इस यूआरएल का एंड पाथ होगा, वहाँ पे जाके आपको कनेक्ट कर देगा। तो एज अ व्यू स्टूडेंट जब आप किसी भी सब्जेक्ट का ऐसे लिंक एंटर करके जाएंगे तो यहाँ पे उसका टाइटल आएगा जो मीटिंग होनी है, और नीचे वो आपसे पूछेगा कि आपने किस तरह से रूम में एंटर करना है। अब रजिस्टर्ड यूजर्स वो होते हैं जो उस मीटिंग के लिए ऑफिशियल पर्सन होते हैं। अब चूंकि हम रजिस्टर्ड यूजर्स नहीं हैं तो आपने यहाँ पे गेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि बाय डिफॉल्ट है, और यहाँ पे आपने अपना नेम एंटर करना है। एंड आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू कि आप अपने नेम के साथ जो है अपनी व्यू आईडी भी लिखें। तो लाइक मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ और उसके आगे मैं व्यू आईडी लिख देता हूँ, एक रैंडम मैंने लिखी है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी यहाँ पे व्यू आईडी लिखें और व्यू आईडी लिखने के बाद आप एंटर रूम पे क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 से 3 सेकंड के अंदर नेक्स्ट जो मीटिंग हो रही है या एज आई सेड कि हो चुकी है तो उसके साथ जाकर आपके कनेक्ट कर देगा। तो ये आता है सारा कनेक्शन का प्रोसेस। अब जब आपका कनेक्ट हो जाए तो आपने इसको फर्दर यूज़ कैसे करना है, इसके सारे कंट्रोल कैसे हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के लिए ट्यूटोरियल है, तो आई थिंक इसको जितना एक्सप्लेन प्रॉपरली कर दिया जाए उतना बेहतर है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। यहाँ कनेक्टिंग के वक्त ये थोड़ा टाइम लेता है, तो चले यहाँ जितना टाइम ले रहा है उतनी मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। इसको फर्स्ट टाइम आपको जब आएगा तो डोंट शो दिस अगेन पे क्लिक करके आप क्रॉस कर दें। तो यहाँ पे ये एक आपके सामने एक विंडो ओपन हो गया है जिसमें यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हुआ करेगी। यहाँ पे अगर इन केस अगर उस मीटिंग में वीडियो चल रही है तो यहाँ पे वीडियो आएगी। इसके नीचे एक अटेंडिस का बॉक्स है, इसके अंदर कौन टीचर इसको होस्ट कर रहा है और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और ये यहाँ नीचे पे एक चैट का ऑप्शन है जिसके अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक चैट आपको अवेलेबल होगी। अब ये जो बड़ा सेक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग इज़ बीइंग शेयर्ड, यहाँ पे टीचर अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, या अगर वो बच्चों से कहें तो कोई एक बच्चा एक टाइम में अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकेंगे, प्रेजेंटेशन दे सकेंगे या एक दूसरे को पढ़ा सकेंगे। इस तरह यहाँ पे ये जो चैट का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो वो पब्लिकली मेरे वहाँ जो टीचर हैं और यहाँ पे जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सबको एज अ मैसेज चला जाएगा। अगर आप किसी से प्राइवेट में बात करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसके नेम के ऊपर जाके जब क्लिक करेंगे, क्योंकि ये मेरी ही आईडी है तो इसके मेरे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगे, लेकिन किसी और स्टूडेंट की आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पर्सनल चैट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस एवरीवन के साथ उस बच्चे का नाम ओपन हो जाएगा जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं। तो ये है इसका सिंपल सा इंटरफेस। इसके अलावा यहाँ से आप अपने स्पीकर्स की वॉल्यूम को और माइक की वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं जो आप प्रेजेंटेशन के साथ साथ दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप रेज हैंड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी आप रिएक्शन देना चाहते हैं तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल सी वीडियो Adobe Connect को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की और किसी भी सब्जेक्ट की मीटिंग को अटेंड करने की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की मीटिंग्स आती हैं व्यू के, तो आप हर सब्जेक्ट की जो इसी तरह से क्लास है वो ले सकते हैं। नॉर्मली क्लास जो है 1 घंटे की होती है, यहाँ पे अगर आपको चैट ही नज़र आ रही है तो इट मींस कि यहाँ पे क्लास जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और ये उस क्लास की चैट है। समटाइम्स जो हमारे टीचर हैं वो इस चैट को क्लियर भी कर देते हैं। तो आई रिकमेंड यू कि आपके पास अगर ऑफर है ये यूज़ करने की तो आप इस क्लास को अटेंड करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।